आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। श्रमिकों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 2 करोड़ श्रमिकों को सीएम योगी ने दिया भत्ता, खातों में भेजे 1-1 हजार रुपए। आज अमेठी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनविश्वास रैली को संबोधित करेंगे, सीएम राजकीय मेडिकल कॉलेज में रखेंगे आधारशिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्ती दौरा, इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे नड्डा। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट की दाखिल, चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री के बेटे को बनाया गया मुख्य आरोपी, सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। चुनाव से पहले लाल टोपी पर राजनीति और गरमाई, सपा ने अलग अंदाज में किया पलटवार, कहा यूपी का लाल यूपी का रखेगा ख्याल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। कन्नौज में अतुल जैन को आईटी की टीम फैक्ट्री ले गई थी। पंपी जैन के बारे में टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक पंपी जैन को कानपुर ले जाया गया है, वहीं आईटी टीम फिर कारखाने पहुंची है। आईटी के अफसर ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। फतेहपुर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भावी प्रत्याशी रात में प्रचार कर रहे हैं और सरकारों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी ने क्षेत्र में चौपाल लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी ने कई गांवों में चौपाल लगाई। बलरामपुर में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले में एक ही दिन में 6 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ गया है। शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जिले में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को लेकर चिकित्सा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं चिकित्सा सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर AK सिंघल ने लोगों को कोविड नियमों को पालन करने की अपील की है। तो कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 मामले सामने आए हैं नए। जैसा कि इस समय पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ केस हमारे जनपद में भी कल रिपोर्ट हुए हैं। इसकी स्थिति को देखते हुए मेरी सबसे अपील है कि जनपद में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो और मुंह और नाक ढक करके मास्क पहन करके ही निकलें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहां भी जाएं वहां अगर सैनिटाइजर मौजूद है तो सैनिटाइजर का यूज करें, नहीं तो घर। गोरखपुर में 5 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भारतेंदु नाटक एकेडमी का आयोजन किया गया। गोरखपुर जिला प्रशासन की तरफ से ये आयोजन होने जा रहा है जो 4 फरवरी से शुरू होगा। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में खुद मंच पर लोक नृत्य, लोकगीत के कार्यक्रम और दोनों प्रेक्षा गृहों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशकों की तरफ से नाटक का आयोजन होगा। हम तो ये इन्फॉर्मेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारत का रंगोत्सव मनाया जा रहा है, उस आज़ादी का रंगोत्सव को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि जो हम कार्यक्रम उसके लिए 5 दिवसीय नाट्य समारोह कर रहे हैं उसकी बारे में जानकारी। सोनभद्र में जबलपुर से हावड़ा जाने वाली शक्तिपुंज में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला है, जिससे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दी। डॉक्टरों के माध्यम से युवक का परीक्षण करवाया गया तो डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है
और आगे की कार्रवाई जारी है। ये सत्यकुंड से ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद अभी मिर्च आएगा। कैसे कैसे पता जानकारी मिला था? जानकारी कैसे मिला कि मिला? कहाँ से ये आ रहे थे? पकड़ा होगा वहाँ ना, जबलपुर में पकड़ा होगा। जांच के दौरान कुछ पता चल रहा है किस तरह से, किस कारण मौत हुई है? वो तो पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा। कहाँ? औरैया समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जूही सिंह औरैया के बिधूना विधानसभा पहुंची, जहां जूही सिंह का महिला राष्ट्रीय महासचिव ने चांदी का मुकुट पहनाकर और तलवार भेंट कर महिला कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान जूही सिंह ने कन्नौज के सांसद सुब्रत को गुंडा भी बताया, साथ ही सभा का गुणगान भी किया और कहा कि हम समान विचारधारा के लोग हैं, जो लोग सपा में आना चाहते हैं हमारे साथ उनका पूरा सम्मान है। पहले भी हमारा गठबंधन हुआ बसपा से और उसको समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने ईमानदारी से निभाया। कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार एक बुलेरो को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद बुलेरो को मंदिर के सामने पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के पास से एक बुलेरो, तीन चोरी मोटरसाइकिल सहित दो अदद तमंचा बरामद किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। रुहे और उनकी टीम के द्वारा जो है रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन बुलेरो गाड़ी में तीन व्यक्ति पकड़े गए और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो है वो बुलेरो गाड़ी थी वो चोरी की थी, जो उसमें बगहा थाना पश्चिमी चंपारण में मुकदमा पंजीकृत हो रखा है। और इसमें जो दो अभियुक्त थे सूरज और जिब्राम, इनके पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ और इनसे जब टीम ने डिटेल में पूछताछ किया तो इनका आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया तथा इनकी निशानदेही पे तीन अन्य गाड़ियां भी बरामद हुई, जिसमें एक पैशन गाड़ी है और एक पल्सर और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन अभियुक्तों का इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके द्वारा ये गाड़ियां कहां से चोरी की गई है उसके विषय में। कुशीनगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब बता दें कि चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है और कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान चेकिंग दौरान बुलेरो को पकड़ा है और रोकने का प्रयास किया गया पहले, जिसके बाद बुलेरो ने भागने का प्रयास किया, उसे जब मंदिर के पास घेर कर पकड़ लिया गया तो उसके बाद तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक बुलेरो, तीन चोरी की मोटरसाइकिल सहित अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गठित एसआईटी ने चार्जशीट में बताया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे, जिसमें अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट में एक नया नाम आगे आया है, जिसमें वीरेंद्र शुक्ला को सबूत छिपाने का आरोपी बताया गया है। 5000 पन्ने की सीएस को बक्से में ले जाया गया, साथ ही पेनड्राइव और डीवीआर भी साथ में दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि जो अहम साक्ष्य थे उसके साथ ही 5000 पन्ने की जो चार्जशीट थी उसे कोर्ट में पेश किया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, जिसमें काफी दिन हो चुके हैं, उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार एसआईटी की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने गठित की थी टीम और चार्जशीट में एसआईटी ने बताया है कि गृह राज्य मंत्री
अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा घटना स्थल पर मौजूद था, जिसमें अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया है। जो तस्वीरें सामने आई थी उसके आधार पर, जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। चार्जशीट में धाराएं जो पहले चेंजेस हुए थे, धाराएं सिर्फ वही हैं, एक धारा और बढ़ाई गई है आईपीसी 201 और एक नाम बढ़ा है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का। बाकी जो FIR में हमारा एक नामजद नहीं हो पाया था, नाम अजय मिश्र टैनी का, क्योंकि तहरीर में उनका नाम था और उसके बाद जो है उनको नामजद नहीं किया गया था। इस संबंध में हमने ADGP को प्रार्थना पत्र भी दिया था कि हमारा जो नाम है अजय मिश्र टैनी का, हमने FIR की तहरीर में दिया है लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। तो हमारी उम्मीद ये थी कि शायद उनका नाम इस चार्जशीट में। लखीमपुर खीरी कांड में अब अहम साक्ष्य जो थे उसके आधार पर अब चार्जशीट दाखिल की गई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे यानी आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर मौजूद पाया गया था। जो भी साक्ष्य मौजूद है उनके आधार पर अब ये सामने रिपोर्ट पेश करी गई है SIT की टीम ने, और जिसमें अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया है। CJM कोर्ट में SIT ने ये चार्जशीट दाखिल की है और इसमें एक नया नाम भी आगे सामने आया है जिसमें वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी है। सबूत छिपाने का आरोपी बताया गया है। इसे 5000 पन्ने की जो चार्जशीट है उसे बक्से में लाया गया और साथ ही पेन ड्राइव भी शामिल थी। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से लाइव। धीरज, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त लखीमपुर खीरी में कैसा माहौल है और जांच कहां तक पहुंची है? देखिए बिल्कुल बता दें आपको, लखीमपुर खीरी जो है 90 दिन के आज SIT टीम ने जो है अपनी जाँच रिपोर्ट जो है दाखिल की है। उसमें मुख्य आरोपी जो आशीष मिश्रा को बनाया गया, उसमें जो एक और नाम बढ़ाया गया जो गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार है, जिन पर SIT ने साफ तौर से आरोप लगाए हैं कि साक्ष्य छिपाने का उन पर आरोप लगाया गया है। जी धीरज, वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके आधार पर SIT ने ये रिपोर्ट पेश की है? देखिए करीब SIT ने जो अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है उसे करीब 5000 पन्नों की जांच रिपोर्ट है जो लोहे के बक्से में ले जा करके अंदर पेश की गई है। फिलहाल अभी जो कौन कौन से मामले, बाकी कई धाराएं जो बढ़ाई गई है उसमें जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बनाया गया है, अन्य 13 आरोपी और एक नाम जो बढ़ाया गया है गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के जो रिश्तेदार है उनका नाम बढ़ाया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मामले में साथ छिपा रहे थे, इस वजह से उनका नाम बढ़ाया गया है। जी धीरज, हम ये जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र शुक्ला और ये जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अजय मिश्रा, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिये गृह राज्य मंत्री के ये वीरेंद्र शुक्ला जो है वो साले है जो पलिया ब्लॉक प्रमुख है मौजूदा। जी, और साथ ही पेन ड्राइव भी पेश करी गई है साक्ष्य के आधार पर। तो इस पेन ड्राइव में क्या वो तस्वीरें हैं जिसमें अजय मिश्रा दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल पेन ड्राइव में कई ऐसे वीडियो और ऐसी तस्वीरें हैं जो आरोपी साबित कर रहे हैं, जिस वजह से SIT ने पूरे मुख्य आरोपी जो आशीष मिश्रा को बनाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखीमपुर से धीरज जुड़े थे। तो चार्जशीट में SIT ने बड़ा खुलासा किया है जो कि एक इनके रिश्तेदार ही है वीरेंद्र शुक्ला, जो मुख्य आरोपी है वीरेंद्र शुक्ला, तो उनका नाम सामने आया है। सबूत छुपाने के लिए इनका नाम सामने लाया गया है और मुख्य आरोपी के साथ इनका भी नाम आरोपी के लिस्ट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।